हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पालमपुर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव हैजा की बेटी श्रेया चौधरी इन दिनों सुर्खियों में है। और आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस होनहार बेटी ने वो कर दिखाया है जो कि उसके लिए गर्व की बात है। आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली श्रेया ने स्पेस ओलंपियाड की परीक्षा में प्रदेश में 400 स्कूलों के लगभग 5000 छात्रों को पछाड़ कर पहले 10 स्थानों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। श्रेया को 22 से 24 अप्रैल को दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर के वैज्ञानिकों से अनुभव साझा करने के लिए अतिरिक्त नेशनल साइंस सेंटर को संबंधी जानकारी हासिल होगी और वहीं पर श्रेया को सम्मानित भी किया जाएगा, जो कि इस बेटी के लिए गर्व की बात है। आखिर श्रेया ने आज अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा कर ही दिया। श्रेया का कहना है कि उसने इस परीक्षा की तैयारी 3 दिन में की थी और इसमें उनके माता पिता ने उनका पूरा सहयोग दिया। वहीं श्रेया ने यह भी कहा कि उनके पीछे उनके अध्यापकों का हाथ भी है, जिन्होंने उन्हें पूरा सहयोग किया। मेरा नाम श्रेया है। श्रेया, किस एग्जाम में आप पास हुए हो और कितने बच्चों को आपने जीत छोड़ा? मैं स्पेस ओलंपियाड में सिलेक्ट हुई हूँ और मेरा स्थान पहले 10 बच्चों में है, प्रदेश के पहले 10 बच्चों में है। और कहाँ पे आपको सम्मानित किया जाएगा? मेरे को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। किस तरह की होती है ये प्रतियोगिता जो एग्जाम दिए हैं आपने? उसमें साइंटिस्ट के द्वारा क्वेश्चन डाले जाते हैं और वो साइंटिस्ट ही हमें पेपर्स देते हैं, हम उन्हें फिल करते हैं और वापस उन्हीं के पास जाके वो चेक करते हैं। कितने दिन में आपने एग्जाम की तैयारी की थी? 3 दिन में। आपने 3 दिन में इसकी एग्जाम की तैयारी की थी, तो अब भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे? एस्ट्रोनॉट। यदि आपने एग्जाम पास किया है, इसमें सबसे ज्यादा किसने आपकी हेल्प करी है और किसको शेयर किया? मैंने जो अपना पेपर जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं वहाँ पे भी वैसे ही पढ़ती थी और टीचर्स मुझे जो मुझे समझ में नहीं आता था वो समझा देती थी। और मेरी टीचर्स में रिधि मैम, निशा मैम, उन सब ने अच्छे से मेरी तैयारी करवाई है। घर वालों का क्या योगदान है? घर वालों ने भी अच्छी ये किया, मेरे साथ हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं इस पेपर में भी उन्हीं की वजह से ये हुई। वहीं श्रेया की मां सुषमा का कहना है कि श्रेया के पिता सेना में तैनात हैं और उन्होंने भी श्रेया को बहुत बधाई दी है और उनका कहना है कि उनकी बेटी जो बनना चाहती है उसे बनने में वह पूरा सहयोग करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा और इसको वहां पर सेमिनार में सम्मानित किया जाएगा। इसको किस तरह से आपने इसकी तैयारी करवाई थी और क्या बनाना चाहते हो? बड़े होके ये बोल रही है कि मैंने स्पेस में साइंटिस्ट बनना है और स्पेस में स्पेस के लिए इसने अपनी ये करा है, तैयारी करी है स्पेस के लिए। आप मतलब इसको साइंटिस्ट बनाने के लिए तैयार है? हाँ जी। श्रेया पापा कहाँ? वो आर्मी में है और वो भी चाहते हैं कि मेरी लड़की बड़ी होके कुछ बने और उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा बधाई दी है, बहुत खुश है वो भी। और वो चाहते हैं कि जो बच्चा करना चाहता है, मतलब वो जो बनना चाहता है वो बने। वहीं निजी स्कूल के प्रधानाचार्य अनुपम मेहरा ने बताया कि श्रेया चौधरी ने स्पेस ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में पहले 10 स्थानों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। श्रेया को 22 से 24 अप्रैल को दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर के वैज्ञानिकों से अनुभव साझा करने के अतिरिक्त नेशनल साइंस सेंटर से संबंधी जानकारी हासिल होगी और वहीं पर श्रेया को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रधानाचार्य अनुपम मेहरा ने श्रेया को शुभकामनाएं दी। ये कंपनी द्वारा स्पेस ओलंपियाड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि गैर सरकारी और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों में इस कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। इस स्कूल का आयोजन करने का मकसद है कि बच्चों को साइंस के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, खास करके स्पेस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पता चल सके और बच्चों का बहुत इंटरेस्ट साइंस की तरफ बढ़ सके। तो इस लेवल का टेस्ट अभी पिछले माह ही कंडक्ट हुआ था और बहुत सारे स्कूलों ने इसमें, हिमाचल के लगभग 4 से 5 हजार बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें हमारे स्कूल के भी 80 बच्चों ने भाग लिया था और श्रेया ने हिमाचल के बहुत सारे बच्चों को पछाड़ते हुए टॉप 10 में अपनी जगह बनाई हुई है। तो उसका HRD मिनिस्ट्री द्वारा दिल्ली में नेशनल साइंस सेंटर में उसको सम्मानित भी किया जाएगा
और वहां पे भी साइंस के बारे में उनकी जागरूकता, बच्चों में जागरूकता फैलाई जाएगी।